चलिए दोस्तों, आज लेके आए नए वीडियो। आज होने वाला है समय के दार, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग महामृत्युंजय मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे, वही रास्ता से गुजर रहे अभी। तो चलिए अभी इसका मजा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक भैया गुजर रहा है। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा पेड़ है। देखिए दोस्तों, चारों ओर कितना हरियाली है। देखिए दोस्तों, तो ऊपर देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर का भी। तो देखिए, ये इधर धान खेती भी लगाया हुआ है दोस्तों। कितना हरियाली दिख रहा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। वाह, इधर में क्या है? और थोड़ी सी आगे एक घर भी है रास्ता के सामने, देखिए दोस्तों। तो देखिए चारों ओर प्रकृति में हरियाली छाया हुआ है इधर। ये रास्ते से अभी कोई भी भक्त आते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी और व्यूज आप लोगों को दिखाने चाह रहा हूँ। तो आप लोग इसी तरफ बने रहिएगा मेरा साथ। देखिए आगे तरफ, देखिए दोस्तों गाड़ी भी जा रहा है। शायद वो सावन का महीना है, बोलबम का भक्त लोग जा रहा है। तो चलिए उन लोगों का भजन सुनते हैं। भजन सुन के आप लोग ने सुना ही होगा दोस्तों, भजन सुन के काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि भोले बाबा का भजन लगाया हुआ था गाड़ी पे। देखिए दोस्तों, गाड़ी एक पार हो गया, कोई भक्त आ रहा है कोई जा रहा है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, गाड़ी का काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। तो थोड़ी सी आगे देखिए, एक गाड़ी भी रुका है, गाड़ी का ऊपर दो माइक लगा हुआ है। तो चलिए थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेम्बोस का रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। भक्त लोग कोई भी ठहर के यहाँ खा सकता है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए और दिखाते हैं थोड़ी सी और आगे। ये देखिए यहाँ पर भक्त रुका हुआ है, शायद ये इन लोगों का गाड़ी कुछ ख़राब हुआ होगा, काफ़ी भीड़ लगी। यहाँ छोटे छोटे भाई लोग भी पार हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये तो शायद यहीं आसपास का गाँव का होगा शायद। ये चाचा जी भी पार हो गया, ये देखिए, और एक बाइक पार हो गया। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर तीन गाड़ी लगा हुआ है। तो अभी थोड़ी सी और आगे है दोस्तों, आप लोग इसी तरह मेरे साथ बनाए रहिएगा। तो पहुंच ही गए हम लोग अभी मंदिर के सामने दोस्तों। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी लगा हुआ है यहाँ पर, और थोड़ी आगे देखिए यहाँ पर, वो देखिए दूर से में गौर कीजिए दोस्तों, वो देखिए मंदिर का वो शिवलिंग सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा है, दूर में गौर कीजिए दोस्तों, अच्छा से गौर कीजिए। देखिए अभी पहुँच ही गया हम लोग, अभी थोड़ी आगे जाके हम लोग उतरने वाला है। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा दोस्तों, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग है, क्योंकि इसे महामृत्युंजय शिवलिंग का नाम से जाना जाता है। तो थोड़ी सी आगे जाके गाड़ी को पार्किंग में लगाकर दोस्तों आगे का व्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं। इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी पहुँच ही गया हम लोग, देखिए कितना भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी भक्त का भीड़ लगा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो देखिए वो माँ मृत्युंजय का शिवलिंग आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, वहाँ दूर में गौर कीजिए दोस्तों। देखिए ये है पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग कहते हैं इसे दोस्तों। अभी थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, देखिए मंदिर का ओर प्रवेश कर रहा है भक्त लोग। तो ये सावन का महीना है दोस्तों, इसलिए ये मंदिर के चारों ओर मेले लगा हुआ है। चारों ओर देखिए कितना बड़ा सा मेला, दुकान में हर चीज़ का सामग्री मिलता है। देखिए दोस्तों, कोई खरीद रहा है, कोई
जा रहा है ख़रीद कर। देखिए दोस्तों, यह दुकान पे हर किस्म का फ़ोटो भी मिलता है। तो वहाँ पर थोड़ी आगे चलते हैं, इस सीढ़ी से अभी मंदिर का तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भक्त लोग सीढ़ी पे बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, चारों ओर देखिए मंदिर के चारों ओर बैठा हुआ है। वो देखिए दूर में काफ़ी सब, वो सब मेला ही लगा हुआ है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा से सजावट किया है, चारों ओर हरियाली है। ये देखिए भक्त लोग कोई आ रहा है, देखिए नाम के कोई फ़ोटो ले रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई देखिए भक्तों का भीड़ है, कोई प्रसाद लेके अंदर जा रहा है, कोई निकल रहा है। देखिए जैसे अभी हम लोग प्रवेश करने वाला है मंदिर का अंदर। ये देखिए ये मंदिर का सामने ही। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कबूतर भी कितना सुंदर तरीके से बैठा हुआ है। चलिए अभी थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं मंदिर के तरफ। अभी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए अभी आप लोगों को मंदिर का अंदर का नज़रें दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई भी भक्त आने से पहले, मंदिर का अंदर प्रवेश करने से पहले उसका मिट्टी अपने सर पर लगाकर तब प्रवेश करता है दोस्तों। तो देखिए अभी देख रहा हूँ इस समय जो वो आप लोगों को ऊपर में देखिए, वो जो दिख रहा है वो स्टार वाला, वो पूरा सोना का है दोस्तों। तो देखिए इधर दीवार पे देखिए दोस्तों कितने सुंदर आर्ट किया हुआ है, देखिए दोस्तों। और देखिए चारों ओर देखिए, ये देखिए सिक्योरिटी भी बैठा हुआ है चारों ओर। यहाँ पर भी एक भैया सिक्योरिटी बैठा हुआ है, मंदिर के रक्षक। देखिए ऊपर देखिए, ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये पूरा सोना का है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा खंभा भी है ये इस मंदिर का अंदर। खंभा देखिए कितना बड़ा बड़ा गोल गोल, काफ़ी सुंदर है दोस्तों। और इस मंदिर का चारों ओर चार दरवाजा है दोस्तों, दो सिर्फ खुला रहते हैं क्योंकि वो वही दो से भक्त लोग आना जाना करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ऊपर में शिव जी का तस्वीर कितना सुंदर से आर्ट किया हुआ है। तो उसका ऊपर कुछ फ्रेम्स है, बड़ा बड़ा फ्रेम्स उसका ऊपर आर्ट किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी दीवार पे कितना सुंदर शिव जी का ही होगा शायद, शिव जी है यहाँ, कोई ऋषि भी है यहाँ पर आर्ट किया हुआ है दोस्तों। गौर कीजिए वो सीढ़ी दिख रहा है, वो ऊपर जाने वाला शिवलिंग का तरफ जाने वाला ऊपर जाने वाला सीढ़ी है। तो चलिए सुनते हैं पंडित जी का मंत्र अभी। तो अभी चलिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो बाहर का नज़ारा कुछ दिखाने जा रहा हूँ आप लोग। देखिए वहाँ पर जो दिख रहा है वो मधुमक्खी घोंसला लगाकर बैठा हुआ है। तो देखिए अभी ये मंदिर का ऊपर का गोल आकृति देखिए, थोड़ी सी आगे में इतना गोल गोल दिखाई दे रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पर काफ़ी भक्त लोग चारों ओर फैला हुआ है, देखिए इतना सुंदर नज़ारा है देखिए वो थोड़ी सी। चलिए अभी मंदिर का अंडरग्राउंड दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देखिए, ये है मंदिर का अंडरग्राउंड। देखिए कितना बड़ा मॉल है ये, देखिए वाह, चारों ओर खुला है, देखने में काफ़ी सुंदर है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी सिक्योरिटी एक बैठा हुआ है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम खड़ा ना हो इसलिए, क्योंकि भक्त लोगों को कोई अशांति ना मिले। यहाँ पर प्रसाद भी यहाँ पर पंडित जी प्रदान कर रहे हैं, देखिए वाह कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, वाह देखिए यही है बाहर का नज़ारा भी देखिए।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीन खंभा आप लोगों को दिख रहा है, वो दो हाथ से पकड़ने से भी आपको नहीं मिलते है। तो देखिए अभी यहाँ पर भी आगे थोड़ी सी आगे एक मंदिर है, और देखिए देखिए यहाँ पर भक्तों का कैसे भीड़ लगा हुआ है। देखिए कोई बड़ी ही शानदार व्यू है दोस्तों। देखिए यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर व्यू दिख रहा है। देख तो ये पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, पीपल का पेड़। यहाँ पर कोई भी भक्त आने आके यहाँ पर एक कपड़े बांधकर चले जाते हैं, क्योंकि वो लोगों का मनोकामना पूरा हो सके, इसीलिए बांध के जाते हैं। तो देखिए ये देखिए अभी देखिए ये। तो दोस्तों ये मंदिर नौगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो किसी दिन आप लोग भी इस मंदिर पे आइएगा ज़रूर। इसकी कितना लंबा चौड़ा है दोस्तों, नीचे से देखने से भी आप लोगों को नज़ारा देखने में काफ़ी तकलीफ ही लगेगा, इतना लंबा है दोस्तों ये मंदिर का नज़ारा। तो आप लोग भी किसी दिन ज़रूर आइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं दूसरा साइड का व्यूज, आसमान का व्यूज। तो ये देखिए व्यूज कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए देखिए दोस्तों, वाह कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए दोस्तों व्यूज भी काफ़ी सुंदर है, देख देख। तो अंदर में पूजा भी करने नहीं देते हैं दोस्तों। तो इसी मंदिर का थोड़ी सी और आगे आके उस मंदिर पे भक्त लोग आके पूजा करके अपना मनोकामना पूरी करते हैं। तो देखिए ये है, यहाँ पर अगरबत्ती जला रहे हैं भक्त लोग, भगवान से दुआ मांग रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।